नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनॉइज पे। ONGC के शेयर में एक गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले जबरदस्त तेजी स्टॉक ने बनाया था और अभी यहाँ पे एक गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं पीएफसी का शेयर में एक जबरदस्त तेजी अभी भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये दोनों ही शेयर इन्वेस्टर्स को बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है, एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है पीएफसी और ONGC दोनों ही शेयर ने। तो बहुत सारे अपडेट्स हैं, हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से ONGC और PFC का जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। करते स्टॉक की बात है तो दोस्तों ONGC के शेयर में एक दिन के अंदर 0.3% के आसपास जो गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर 0.2% के आसपास तेजी बना है स्टॉक में और एक महीने के अंदर 7.2% के आसपास जो तेजी बनता हुआ देखने को मिला है ONGC के शेयर में। फिलहाल इसका जो ड्यूरेबिलिटी ONGC का वो है 50 out of 100, वैल्यूएशन 74.70 out of 100, मोमेंटम 58.90 out of 100। टेक्निकली बात करते हैं ONGC के शेयर का तो टेक्निकली जो है फिलहाल अभी एक न्यूट्रल लेवल पे जो है ये शेयर चल रहा है। तो यहाँ पे RSI इंडिकेटर कह रहे के जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे। वही बात करते हैं दोस्तों MACD इंडिकेटर कह रहे कि शेयर एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो भी मतलब इसका जो एक दिन का लो प्राइस बनाया है ONGC के शेयर में वो है 186.30 पैसे का और जो हाई प्राइस बनाया है वो है 189.30 पैसे का। एक हफ्ते के अंदर जो लो प्राइस बनाया है वो है 185 रुपीज़ का और जो हाई प्राइस बनाया है वो है 189.50 पैसे का। और एक महीने के अंदर जो लो प्राइस बनाया है वो है 173.10 पैसे का और जो हाई प्राइस बनाया है वो है 191.70 पैसे का। तो फिलहाल इसका ONGC का BSE और NSE मिला के एक दिन का एवरेज देखते हैं जो कि 12.7 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज 61.1% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 7.7 मिलियन का है। एक हफ्ते के अंदर BSE NSE मिला के एवरेज देखते हैं तो 9.5 मिलियन का एवरेज है BSE एंड जो डिलीवरी परसेंटेज है वो है 58.5% का, डिलीवरी वॉल्यूम 5.5 मिलियन का है। और एक महीने के अंदर जो BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 11.8 मिलियन का BSE और जो डिलीवरी परसेंटेज है 52.5% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 6.2 मिलियन का है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ONGC का एक बोल सकते कि जो इसका एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है ONGC के शेयर का वो है 198.12 पैसे का, 198 रुपीज़ का एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है ONGC का। तो यहाँ पे ONGC में बीच में जो एक गिरावट आया था जहाँ पे ONGC मतलब जो गवर्नमेंट की ओर से एक अपडेट आया था जो इसका विंडफॉल टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया था, विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया गया था तो उसी के बाद जो है स्टॉक में गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा था। फिलहाल अगर कोई ये शेयर होल्ड करता है ONGC का तो इसमें जो है आप देख सकते हैं अभी तक जो ONGC ने ऐसे जो है बोल सकते कि 55 डिविडेंड्स दिया है, 55 डिविडेंड्स ONGC ने अभी तक दिया है और पास्ट 12 मंथ्स के अंदर देखते हैं तो लगभग 11.25 पैसा पर शेयर डिविडेंड दिया है। इन द पास्ट 12 मंथ्स द इक्विटी डिविडेंड अमाउंट टू रुपीज़ 11.25 पर शेयर। तो अगर यहाँ पे कोई होल्ड करता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है आपको बोल सकते कि डिविडेंड देखने को मिल जाता है ONGC के शेयर में। और हमें लगता है कि स्टॉक का प्राइस जो है अभी जो चल रहा है यहाँ से अगर कोई ख़रीदारी करता है ONGC के शेयर में तो बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस रख के फिलहाल अभी नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अभी बात करते हैं PFC को लेके जी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक दिन के अंदर PFC के स्टॉक में 7.7% के आसपास तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है, एक हफ्ते के अंदर 9.8% का इसने तेजी बनाया है और एक महीने के अंदर 16.9% का जो है तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न PFC के शेयर ने दिया है, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न PFC के शेयर ने दिया है इन्वेस्टर्स को। ड्यूरेबिलिटी जो है इसका वो है 50 out of 100, वैल्यूएशन 67.20 out of 100, मोमेंटम 75.10 out of 100। दोस्तों शेयर होल्डिंग की बात करते हैं PFC का तो फिर माफ़ कीजिए जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकली देखते हैं PFC का शेयर
अभी भी एक बुलिश लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड आरएसआई इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे, ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे। मैग्नी इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है एक बुलिश लेवल फिलहाल अभी बना रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे इसका पीएफसी का एक दिन का हम लोग जो इसका लो प्राइस बनाता हुआ देखने को मिल रहा है वो है 235.50 पैसे का, जो हाई प्राइस बना है वो है 254.10 पैसे का। यहाँ पे देखते हैं मतलब एक हफ्ते के अंदर जो लो प्राइस बना है वो है 225.30 पैसे का और जो हाई प्राइस बना है वो है 254.10 पैसे का, और एक महीने के अंदर जो लो प्राइस बना है वो है 200.40 पैसे का, जो हाई प्राइस बना है वो है 254.10 पैसे का। तो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं इसका जो बीएससी और एनएससी मिला के एक दिन का एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 10.6 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 35.9% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 3.8 मिलियन का है। एक हफ्ते के अंदर बीएसएनएस से मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 16.8 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 39.1% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 6.6 मिलियन का है, और एक महीने के अंदर बीएसएनएस से मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 27.9 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 49.8% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 13.9 मिलियन का है। तो दोस्तों यहाँ पे पीएफसी का शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप जहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 55.99% का स्टेक है, और जो एफआईएस है एफआईएस के पास 17.49% का स्टेक था, एफआईएस ने जो है स्टेक यहाँ पे घटाया है, 16.74% के आसपास का स्टेक है एफआईएस के पास। म्यूचुअल फंड के पास 12.24% का स्टेक था और म्यूचुअल फंड ने जो यहाँ पे स्टेक घटाया है 12.38% का स्टेक है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 5.9% का स्टेक था और अदर इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे स्टेक जो है घटाया है 5.69% का स्टेक है, एंड अदर इंस्टीट्यूशन के पास पब्लिक के पास 8.38% का स्टेक था, पब्लिक ने जो है स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, 9.19% का स्टेक पब्लिक ने यहाँ पे कर दिया है पीएफसी के शेयर में। पीएफसी के शेयर में आप देख सकते मतलब जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास उतना स्टेक है, एफआईएस ने जो है स्टेक यहाँ पे घटाया है, एंड म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे घटाया है, अदर इंस्टीट्यूशन ने स्टेक यहाँ पे घटाया है, पब्लिक ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है। पीएफसी का दोस्तों जो अपडेट्स बोल सकते हैं कि आया है जहाँ पे पीएफसी को लेके अगर देखेंगे तो जैसे कि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करता है, पीएफसी जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करता है, और यहाँ पे कुछ दिन पहले एक अपडेट जो है यहाँ पे देखने को मिला था जहाँ पे पीएफसी जो है एसजीबीएन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे पीएफसी फाइनेंस करेगा, उसको लेके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पे पीएफसी जो है उसको फाइनेंस करेगा। देख सकते हैं आप जहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है एसजीबीएन एंड पीएफसी इंपैक्ट टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स ऑफ रुपीज 1.19 लाख करोड़ का ये एसजीबीएन का प्रोजेक्ट है जिसको फाइनेंस करने वाला है पीएफसी। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं इसको लेके क्या कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि पीएफसी के नाम पे है, तो मतलब एंड एसजीबीएन लिमिटेड हैव साइंड इन मोमेंडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एंड थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ओट रुपीज 1,18,826 करोड़ हैविंग ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 12,178 मेगावाट। तो एसजीबीएन और पावर फाइनेंस मतलब पीएफसी के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पे एसजीबीएन का जो प्रोजेक्ट है 12,178 मेगावाट का जो कि थर्मल एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एंड थर्मल एनर्जी का प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने वाला है पीएफसी, और जो कि है 1,18,826 करोड़ का। तो ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट है जहाँ पे पीएफसी फाइनेंस कर रहा है और जिसका एक बहुत बड़ा फायदा पीएफसी को भी होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पीएफसी की ओर से जो है अगर कोई शेयर ये होल्ड करता है पीएफसी का तो आप देख सकते हैं पीएफसी जो है अभी तक 34 डिविडेंड्स दिया है, 34 डिविडेंड्स अभी तक पीएफसी ने दिया है। एंड वही बात करते हैं इधर मतलब जो है अभी तक जो है देखेंगे तो लगभग 11 रुपये के आसपास जो है यहाँ पे 12 मंथ्स के अंदर 11 रुपये के आसपास जो है पर शेयर डिविडेंड दिया है। इन द पास्ट 12 मंथ्स द इक्विटी डिविडेंड अमाउंट्स टू रुपीज 11 पर शेयर। तो बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा अच्छा खासा एक डिविडेंड आपको पीएफसी में देखने को मिल जाता है। हमें लगता है कि कोई अगर अभी शेयर यहाँ से खरीदता है तो छोटा मोटा टारगेट पैसे रख के चल सकते हैं। तो दोस्तों ओएनजीसी और पीएफसी दोनों ही शेयर अच्छा खासा एक डिविडेंड देता है अपने इन्वेस्टर्स को। आपको क्या लगता है ONGC और PFC के शेयर को लेके, ONGC और PFC को लेके जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल की नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।